बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक एजुकेशन कंडीशंस इन पाकिस्तान, तालीम की सूरत हाल पाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लामी तालीमात के मुताबिक एजुकेशन इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी सिटीज़न। तालीम हर एक शहरी की बुनियादी ज़रूरत है। एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। तालीम और माशरती जो तरक्की है ये इंटर रिलेटेड हैं या इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज़ अबाउट 60% एज पर द स्टेटिस्टिक्स ऑफ 2019 एंड 20। 2019-20 के जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है, ये शरह ख्वानगी है, वो 60% है। इंक्रीज़ इन लिटरेसी इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, के ख्वानगी में इजाफ़ा जो है वो समझा जाता है ज़रूरी माशी तरक्की के लिए। गवर्नमेंट इज़ गिविंग ग्रेट इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन, हुकूमत बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है तालीम को। द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन दिस रिगार्ड आर एज फॉलोज, इस तरह से तालीम को जो अहमियत हुकूमत दे रही है उस सिलसिले में जो इकदाम वो उठा रही है उसके बारे में हम देखते हैं। फ्री एजुकेशन फ्राम ग्रेड 1 to grade 10, ग्रेड 1 से grade 10 तक या जमात 1 से जमात 10 तक जो है तालीम मुफ्त कर दी गई है। फ्री सप्लाई ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को या तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, वज़ाइफ़ दिए जाते हैं और उनको दरसी किताबें जो हैं वो फ्री दी जाती हैं। रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द करिकुलम ऑन साइंटिफिक एंड फ्यूचर नीड बेसिस रिव्यू किया जा रहा है और तजिया किया जा रहा है निसाब का साइंसी और फ्यूचर की जो ज़रूरियात हैं उनकी बुनियादों पर। कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स फॉर प्रमोशन ऑफ टेक्निकल, वोकेशनल एंड साइंटिफिक एजुकेशन, के तआवुन को बढ़ाया जा रहा है हुकूमत और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके दरमियान तरक्की देने के लिए टेक्निकल, वोकेशनल और जो साइंसी तालीम है उसको। रेवोल्यूशनरी मेयर्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट। रेवोल्यूशनरी मेयर्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की के मैदान में जो है वो इनकलाबी इकदाम उठाए गए हैं टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने के लिए द क्वालिटी मियार को ऑफ हायर एजुकेशन के या आला तालीम के ऑफ सोशल माशरती एंड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट और माशी तरक्की के लिए। मेक एफ़र्ट्स फॉर जेंडर इक्वलिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इकदाम किए जा रहे हैं जो जेंडर इक्वलिटी है, मतलब ये कि मर्दों और औरतों के लिए एक जैसे मौके तालीम के। पेइंग स्पेशल अटेंशन टू वुमेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और तालीमी इदारे जो औरतों के हैं उन पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू प्रमोट हायर एजुकेशन, आला तालीम को प्रमोट करने के लिए, उसकी तरक्की के लिए कायम की जा रही हैं यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक और प्राइवेट लेवल पर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन फाउंडेशन एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल, सूबाई और मरकज़ी जो सतह है उस पर जो है एजुकेशनल फाउंडेशन कायम की जा रही हैं टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम, तालीमी मसाइल को हल करने के लिए। पाकिस्तान्स एजुकेशनल स्ट्रक्चर, पाकिस्तान में तालीमी ढांचा। द एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। पाकिस्तान का जो तालीमी ढांचा है उसके 3 फेज़ हैं। सबसे पहला है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। प्री 1 ग्रेड एजुकेशन इज़ कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड केयर, के क्लास 1 से पहले जो प्री है ग्रेड 1 से, उसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन इज़ फ्राम ग्रेड 1 to grade 5। प्राइमरी एजुकेशन का नाम दिया जाता है ग्रेड 1 से grade 5 की जो तालीम है उसको, वाइल द स्कोप ऑफ एलिमेंट्री
एजुकेशन इज़ फ्रॉम ग्रेड 6 to grade 8। एलिमेंट्री तालीम कहा जाता है 6 से 8 तक के जो ग्रेड है उसको। द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर वर्किंग टू एस्टेब्लिश प्राइमरी स्कूल्स इन एवरी विलेज। जो विफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं वो काम कर रही हैं कायम करने के लिए प्राइमरी स्कूल हर एक गांव में, सो डैट ऑल पीपल हैव एक्सेस टू यूनिफॉर्म एजुकेशन, ताकि तमाम लोगों की रसाई हो एक जैसी तालीम पर तक। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए अ यूनिफॉर्म नेशनल करिकुलम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री। एक जैसा यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा कौमी जो निसाब है वो उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है पूरे मुल्क में। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ 9th एंड 10th ग्रेड। सेकेंडरी एजुकेशन हम कहते हैं 9वीं और 10वीं जमात की तालीम को। एजुकेशन इन 11th एंड 12th क्लासेस इज़ कॉल्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और 11वीं और 12वीं क्लास की जो तालीम है उसको हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है। द हायर सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स इज़ 2 ईयर लॉन्ग इन विच आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड अदर सब्जेक्ट्स आर टॉट। ये 2 साल का जो है वो कोर्स होता है जिसमें आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एग्जामिनेशन फ्रॉम 9th to 12th ग्रेड आर कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, BISE, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब ये कि 9th से लेके 12th तक के जो इम्तहान होते हैं वो इस बोर्ड के थ्रू करवाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन, आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन बिगन्स, यूनिवर्सिटी की तालीम शुरू होती है। फॉर विच देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री, जिसके लिए मुल्क में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन एडिशन टू यूनिवर्सिटीज़, हायर एजुकेशन इज़ आल्सो ऑफर्ड इन कॉलेजेस। यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ जो हायर एजुकेशन है ये कॉलेजेस में भी दी जाती है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के कई जो हैं वो किस्में हैं। दिस एजुकेशन कॉन्टेन्स BS एंड MS एक्सेट्रा, और इसमें BS और MS वगैरह की जो तालीम है वो शामिल है। इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, रिसर्च एजुकेशन एट द लेवल ऑफ MPhil एंड PhD इज़ आल्सो प्रोवाइडेड इन ईच सब्जेक्ट। हायर एजुकेशन में जो रिसर्च एजुकेशन है वो हर लेवल पर, जैसे MPhil है या PhD है, उसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट्स हैव टू इनरोल इन मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन। के मेडिकल जो स्टूडेंट होते हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, और जो इंजीनियरिंग से मुंसलिक होते हैं वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं वो दाखिला लेते हैं। देयर आर आल्सो प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर लॉ। इसके साथ साथ पेशेवराना जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या इदारे हैं, जैसा कि लॉ है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर है एंड अदर टेक्निकल साइंसेस है, मतलब इन सारे शोबों में जो है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है।